डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट समझा था। एक छोटा सा एग्जांपल भी उसमें लिया था, लेकिन आप आज हमें एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होता है वो हम समझेंगे। सो देखिए, ये क्वेश्चन है, ऋषि, शिवम एंड रुद्र आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर रुपीज 12,000, 8,000 and 4,000 respectively. According to partnership deed, they entitled to an interest in capital at the rate of 5% per annum. In addition, Shivam was also entitled to draw a salary of 2,400 annually. Deed ke according, tino partner ko interest in capital milna chahiye plus Shivam ko salary milna chahiye. Rudra entitled to commission of 5% on profit after charging interest and capital but before charging Shivam se salary. Aur Rudra ko commission bhi milegi. To teen cheeze milegi, partners ko agreement hai. Interest and capital milega. Ek partner ko salary milni hai to dusre ko commission milni hai. Theek, aage. The net profit for the year were rupees 12,000 distributed capital ratio of capital without providing for any of the above adjustment. Mistake क्या हुई है कि हमने ये interest, ये salary, ये commission partners के account में credit करी ही नहीं, partner को दिया ही नहीं और profit को ऐसा कैसा divide कर दिया, वो भी capital ratio में, जबकि profit भी कौन से ratio में divide होना था, the profit was to be share in the ratio of 5:3:2, जबकि profit 5:3:2 के ratio में divide होना था, वो capital ratio में divide हुआ, वो profit भी wrong था जो divide हुआ, क्योंकि पहले interest और salary और commission देनी थी, फिर बचा हुआ profit sharing ratio में divide होना था, तो ये mistake हो गई है past में। अब एक adjustment entry के through इसको adjust करना है, इसी को बोलते हैं past adjustment। तो जब पास्ट में एरर हो गई हो, उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करना हो, तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो एक टेबल हमने बना ली जिसका नाम दिया एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स के नाम जो है वो है, नाम है ऋषि, शिवम एंड रुद्र, ये नाम लिख दिए। अब अमाउंट is to be credited, पहला हेडिंग ये आएगा, अमाउंट is to be credited, मतलब जो अमाउंट क्रेडिट करना है, तो इसमें जो जो अमाउंट क्रेडिट होने से ओमिट हो गए थे, भूल गए थे, उनको लिखना है। तो एक चीज तो हमने पार्टनर्स को नहीं दी थी, वो था इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वो पार्टनर्स को दे देंगे। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल है 12,000, 8,000, 4,000 और उसका 5% इंटरेस्ट हमको उनको देना है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पहले वाला पार्टनर की 12,000 कैपिटल है, उसका 5% दे दिया, दूसरे की 8,000 कैपिटल है, उसका 5% दे दिया और तीसरे वाले पार्टनर की कैपिटल है 4,000 का 5% 200 दे दिया। इसके अलावा हमको शिवम को सैलरी भी देनी है 2400 रुपीस, ये दे दी। इसके अलावा कमीशन देनी है रुद्र को, पर कमीशन के बारे में क्या लिखा हुआ है ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि रुद्र एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग शिवम सैलरी, कि जो प्रॉफिट है ना 12,000 रुपीस, इस क्वेश्चन में 12,000 प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस कर दो लेकिन सैलरी माइनस मत करो, और जो प्रॉफिट आए उसके 5% जितना कमीशन देना है रुद्र को। तो कैसे देंगे ये देखो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल तीनों की मिला के कितनी हो रही है, तीनों की मिलाकर 12,000 रुपीस, 1200 रुपीस। तो 12,000 प्रॉफिट है, 12,000 प्रॉफिट में से 1200 इंटरेस्ट एंड कैपिटल के माइनस कर लेते हैं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के 1200 माइनस कर लेते हैं, लेकिन सैलरी माइनस नहीं करेंगे, और इसका 5% कैलकुलेट करके, इसका 5% कैलकुलेट करके रुद्र को कमीशन दे देंगे, ये 540 दे दिया। अब सिर्फ इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन की ही मिस्टेक नहीं हुई थी,
जो शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होना था वो कैपिटल रेशियो में हो गया था, एक मिस्टेक ये भी हुई थी। तो हमको करेक्ट वाला प्रॉफिट डिवाइड करना है वो भी शेयरिंग रेशियो में, तो एक मिस्टेक ये भी रेक्टिफाई करना है, ये अमाउंट भी क्रेडिट करना है, देना है। तो यूजुअल मैक्सिमम क्वेश्चन में जो चीज़ें हम क्रेडिट करना भूल गए थे वो लिखते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिवाइड हुआ ये यूजुअली नहीं होता है, पर यहाँ पे वो भी मिस्टेक हुई है तो उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपीस। इसमें से एक तो तीनों की इंटरेस्ट एंड कैपिटल का टोटल 1200 रुपीस माइनस कर लेते हैं, शिवम की सैलरी 2400 माइनस कर लेते हैं, रुद्र का कमीशन 540 माइनस कर लेते हैं। तो अब प्रॉफिट कितना बचा ये देख लो, प्रॉफिट कितना बचा ये देख लो, प्रॉफिट बचा 7,860 रुपीस। मैं फिर से बता दूं कि देखो ये कैसे आया था, 12,000 प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीनों की इंटरेस्ट एंड कैपिटल का टोटल कर दे 1200, वो माइनस कर देते वो पार्टनर को दे दिया प्रॉफिट, 2400 सैलरी के दे दिए शिवम को वो भी माइनस कर लेते हैं, 540 कमीशन जो रुद्र को दी थी वो भी माइनस कर लेते हैं, तो बाकी बचा 7,860 रुपीस। ये प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में डिवाइड होना है उनके शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसा कि शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। तो 7,860 इंटू 5/10, 7,860 इंटू 3/10, 7,860 इंटू 2/10, ये करेक्ट प्रॉफिट दे दिया हमने सभी को। तो फाइनली तीनों पार्टनर्स में जो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ था, जो क्रेडिट करना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरी तरफ अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि बाय मिस्टेक कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था, क्योंकि अगर कोई एक अमाउंट क्रेडिट होने से रह गया है तो दूसरा अमाउंट क्रेडिट हुआ भी है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट में समझा भी था। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, तो रॉन्गली कितना क्रेडिट हुआ, तो जो अमाउंट हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना भूल गए थे, ये तीन अमाउंट से तीनों के टोटल, इतने से हमारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ गया था, क्रेडिट हो गया था, इन तीनों का टोटल होता है 12,000 रुपीस, तीनों का टोटल होता है, ये मैंने अमाउंट करेक्ट कर लिया, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक थी फार्मूले में, कैलकुलेशन गलत आ रही थी। तो तीनों के अकाउंट में जो क्रेडिट करना है वो इन तीनों टोटल किया जाता 12,000 रुपीस। ये 12,000 रॉन्गली पार्टनर्स में क्रेडिट हुआ था कैपिटल रेशियो में, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 12,000 प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कैपिटल रेशियो में, ये रॉन्ग था। तो इनकरेक्ट प्रॉफिट शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो कितना कितना क्रेडिट हुआ था वो देख लेते, तो 12,000 रुपीज तीनों में क्रेडिट हुए थे कैपिटल रेशियो में, तो पहले कैपिटल रेशियो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखें सेकंड लाइन में दिया हुआ है कैपिटल 12,000, 8,000, 4,000, 12:8:4 का जो रेशियो होता है 3:2:1 होता है, तो जो 12,000 तीनों पार्टनर में क्रेडिट हुए थे वो 3:2:1 के रेशियो में क्रेडिट हुए थे, 3:2:1 में क्रेडिट करें तो 6,000, 4,000 एंड 2,000 रुपीस तीनों पार्टनर में क्रेडिट हुए थे। तो ये तीनों में जो बाय मिस्टेक अमाउंट क्रेडिट हुआ था वो लिख दिया और डबल लाइन स्केच करके उसको बंद भी कर दिया। अब अगली स्टेप नेट डीआर नेट सीआर, ये क्या कर रहे हैं अब वो समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऋषि को जो क्रेडिट करना है वो अमाउंट है 4,530 रुपीस। दूसरी तरफ ऋषि के अकाउंट में रॉन्गली ये क्रेडिट हुआ है वो 6,000 रुपीस है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर इनके दोनों का डिफरेंस निकाले तो वो होता है 1,470 रुपीस। 1,470 रुपीस ऋषि के कॉलम में रॉन्गली एक्सेस में क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट करना कितना था 4,530, क्रेडिट बाय मिस्टेक हुआ कितना 6,000, ये ओवरऑल कंक्लूजन है। तो ऋषि के कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस 1,470 रुपीस होता है, वो क्रेडिट ज़्यादा हुआ है। तो मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई होगी, ऋषि को डेबिट कर दो 1,470 से। एक बार और समझते हैं शिवम को लेकर, तो शिवम को क्रेडिट कितना करना है
5158 जो क्रेडिट नहीं हुआ है, 5158 रुपीज़। जबकि बाय मिस्टेक शिवम में क्रेडिट कितना हुआ है, 4000 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस होता है 1158, इन दोनों का डिफरेंस 1158 रुपीज़ शिवम के अकाउंट में क्रेडिट कम हुआ है। क्रेडिट होना था 5158, क्रेडिट हुआ है बाय मिस्टेक 4000, तो दोनों का डिफरेंस 1158, क्रेडिट कम हुआ है। मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई होगी, क्रेडिट कर दो। एक बार और चांस है समझने का। रुद्र, रुद्र को क्रेडिट कितना करना था, रुद्र को क्रेडिट करना था 2312 रुपीस। जबकि बाय मिस्टेक हमने कितना क्रेडिट किया रुद्र कालम में, 2000 रुपीस। दोनों का डिफरेंस 312 रुपीस। 312 रुपीस रुद्र कालम में कम क्रेडिट हुआ है, कम क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कर दो, ये क्रेडिट कर दिया। तो इस अंक से ऋषि को 1470 से डेबिट करके, शिवम को 1158 से क्रेडिट करके और रुद्र को भी 312 से क्रेडिट करके मिस्टेक को सुधार सकते हैं। जितनी भी मिस्टेक थी वो सब मिस्टेक सुधर जाएगी। जिसको पैसा कम मिला था, जितना कम मिला था मिल जाएगा, जिसको ज़्यादा मिल गया था उसे वापस ले लेंगे। तो यहाँ ऋषि डेबिट होना है और शिवम में रुद्र क्रेडिट होना है। तो एक एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री बनेगी ऋषि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1470 रुपीस टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1158 रुपीस टू रुद्रस कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगा 312 रुपीस। नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाइड, इस अंक से एंट्री को हमने रेक्टिफाई कर लिया। तो ये तरीका था। अगर पास्ट में कोई एडजस्ट एरर हो गई हो तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री बना लो, एडजस्टमेंट टेबल बना लो। अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, जो जो क्रेडिट करना भूल गए थे वो सब इसके अंदर लिख लो। फिर इनका जो ग्रांड टोटल होता है, तीनों का टोटल कर लिया, उसका टोटल कर लिया 12000 आया। 12000 जो बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया था उसको रॉन्गली क्रेडिट में लिख दो। नेट DRCR करके एडजस्ट कर लो और लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि एक कंसेप्ट ऐसा है जिसके लिए कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए। तो आने वाले लेक्चर्स और ज़रूर देखिएगा ताकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो। इसके पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।